हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अगले आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए कौन कौन से स्टॉक में अच्छे रिटर्न आ सकते हैं, जो जिसको कि हम लोग पोजिशनली अगर होल्ड करें तो आपको 10-20% का रिटर्न हम लोगों को मिल सकता है। तो हम लोग कुछ ऐसे ही स्टॉक्स पे आपको डिस्कशन करेंगे और उसका फिर आपको लॉजिक देखेंगे, उसका एंट्री भी देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जो हम लोग क्यों स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर हम लोग एंट्री कहाँ पे लेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए जो है आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा सही रहेगा। और साथ ही साथ जो है आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ, अगर मुझे कुछ और स्टॉक्स मिलेंगे या फिर किसी स्टॉक्स में एंट्री मिलता है या फिर इंट्राडे के लिए भी मैं वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ। तो आप लोग जो है वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों को भी डेली लाइव आप लोगों के लिए एंट्री या फिर कोई स्टॉक ऐसा रहता है किसी पॉइंट पे मुझे अगर अच्छा लिखता है तो मैं वहाँ अपडेट करता रहता हूँ। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में जाके और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो हम लोग इस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले जो है अडानी इंटरप्राइजेज को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। अडानी इंटरप्राइजेज को क्यों सेलेक्ट किया है, अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है, ये आपको है मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे। अगर आप देखेंगे तो इस एरिया से ये बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इससे पहले भी देखेंगे तो जब जब ये मूविंग एवरेज के पास आपको आया है ये यहाँ से बाउंस बैक किया है, तो फिर इस टाइम भी आपको एक जो है अच्छा चांस है जो यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा। स्टॉक जो है ऑलरेडी करेक्ट भी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई से, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा चांस बन रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एक और चीज़ हो रहा है इस स्टॉक में, इस स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा कुछ ऐसा, एक यहाँ पे आपको मीटिंग पॉइंट है, फिर आपको यहाँ पे स्टॉक ने रेस्पेक्ट किया ट्रेंड लाइन को, फिर आपको यहाँ पे भी यहाँ पे कंटिन्यू आपको स्टॉक ने रेस्पेक्ट किया और यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिया और फिर जो है ब्रेकआउट के बाद आपको इस ट्रेंड लाइन का जो है रीटेस्ट भी हो चुका है। तो अब अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, ये वन डे का चार्ट है, अब अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिलता है, अगर ये एक बुलिश कैंडल बनाता है और ये आपको ऑलमोस्ट 1450 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, 1450 या 1460 के एरिया में अगर ये क्लोजिंग देता है, तो फिर जो है आप इस स्टॉक को अच्छे से लॉन्ग एक जो है अच्छा पोजीशन इसमें ले सकते हो। स्टॉक के पास ऊपर जाने के लिए आपको काफ़ी स्पेस है, तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो भी अच्छा मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस जो है इस स्विंग के नीचे होगा, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे एक स्विंग है प्लस आपको जो है मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट एरिया है ये, और अगर आप इस लाइन को और एक्सटेंड करोगे तो आप यहाँ पे देखो ये एक जो है इस रीजन को ही ब्रेकआउट करके, इस एरिया को ब्रेकआउट करके स्टॉक ने रैली दिया था, रीटेस्ट किया, इसी जोन से जो है बाउंस बैक किया, फिर से रीटेस्ट किया और फिर से जो है आपको इसी जोन से बाउंस बैक किया और वापस से जो है यहीं पर आके ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट किया है। तो आपके पास जो है एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये एक रेंज यहाँ पे फॉर्म किया है, अगर ये इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको यहाँ पे एक तो रेंज ब्रेकआउट है, ऊपर से आपको ट्रेंड लाइन का आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है और नीचे से आपको सपोर्ट एरिया है और साथ ही आपको मूविंग एवरेज से ये बाउंस बैक कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लुएंस है, चार कन्फ्लुएंस है, चार चार आपके पास एंट्री रीजन है जिस वजह से आप एंट्री ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस जो है ऑलमोस्ट ये पोजिशनल है, तो आपका आपके पास जो है स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का होगा। तो यहाँ पे आपको टारगेट भी ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट मिलने के चांस हैं। तो इस वजह से जो है हम लोग इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं अगले कुछ महीने के लिए, आपको जो है इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लॉन्ग का बनता हुआ दिख रहा है और मार्केट थोड़ा भी सपोर्ट करेगा तो ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा रैली करेगा। तो सबसे पहला स्टॉक है आपको अडानी इंटरप्राइजेज,
सेकेंड एक स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में इससे पहले काफी दिनों से शॉर्ट करता, शॉर्ट के लिए आपको जो है सलाह दे रहा था अपने डेली मार्केट एनालिसिस में, और इससे पहले मैंने लास्ट वीक जो है इसमें एक लॉन्ग कॉल भी दिया था पोजिशनली, आपको इस लेवल पे मैंने लॉन्ग के लिए दिया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको जो है एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, प्लस जो है आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट किया और उस कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट था मूविंग एवरेज के ऊपर में। साथ ही आपको क्या हुआ, एक आपको ग्रीन कैंडल बना, फिर जो है आपको हॉल्ट किया, जो कि आपको एक इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक इनसाइड कैंडल है, फिर इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट दिया और फिर से जो है एक इनसाइड कैंडल टाइप का बनाया। इस स्टॉक में अभी भी आप पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि अगर इस लेवल पे भी पोजीशन बनाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का है। बट आपके पास जो है टारगेट इसमें काफी अच्छे आएंगे, आपको पहला टारगेट तो आपको 1:2 मिल जाएगा, आपको 490 के आसपास। उसके बाद आपको जो है इसमें और ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि अब जो है ऑयल सेक्टर में एक तेजी सारे स्टॉक में आ रही है, HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल, ONGC, सारे स्टॉक में जो है एक आपको अच्छा अब जो है अप मूव फ्रेश रैली स्टार्ट हो रहा है। तो ये स्टॉक भी काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में था, तो अब ये एक अच्छा रैली जो है आपको अप मूव देगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी टाइम आपको मूविंग एवरेज से सपोर्ट किया है, तो ये एक अच्छा बाउंस बैक किया है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा बाउंस किया है। तो फिर से जो है आप इस स्टॉक को जो है अपने उसमें वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और अगर मंडे को ये अच्छा परफॉर्म करता है तो आप इसको जो है अपने पोर्टफोलियो में जो है 1 से 2 महीने के लिए ऐड कर सकते हैं। इसमें जो है आपको काफी अच्छा 10-20% का रिटर्न आपको इजीली मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये वन डे चार्ट में जो है एक काफी अच्छा हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन भी कर रहा है, तो स्टॉक जो है काफी अच्छा एक अप ट्रेंड में है। अब तीसरा स्टॉक देखते हैं, तीसरा स्टॉक है TCS। TCS अगर आप देखेंगे तो TCS भी आपको मूविंग एवरेज के पास जो है आता है और फिर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है। अगर आप इससे पहले भी यहाँ पे देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज के पास आया और यहाँ से बाउंस बैक किया। साथ ही और अगर आप पीछे जाएंगे तो ये जितनी भी टाइम आपको मूविंग एवरेज के पास आता है वहां से अच्छा बाउंस बैक करता है। इस एरिया से भी देखेंगे तो एक अच्छा बाउंस बैक किया है। तो इस वजह से जो है हम लोग TCS को भी ले रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये मूविंग एवरेज का क्या स्ट्रेटजी है ये आपको नहीं पता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने इसके 2 पार्ट बनाए थे, दोनों पार्ट के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं जो मूविंग एवरेज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ये कौन सा मूविंग एवरेज है, और उसमें सारी बातें मैंने एक एक करके बताई हुई है, तो आपको जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब TCS में अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर गया और ऊपर से फिर आपको एक रिट्रेसमेंट हुआ है, साथ ही साथ आपको TCS का रिजल्ट भी था, तो इस वजह से भी ये थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, और अब ये यहाँ पे आपको कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक रेंज बनाया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश किया बट कर नहीं पाया। अब अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये अगर इस रेंज को ब्रेक करके क्लोज देता है तो आप इस स्विंग लो के नीचे, ये जो स्विंग लो है इस स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपके पास जो है इसमें भी 1:3 to 1:4 का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है। तो हम लोग जो है इस स्टॉक को भी अपने वॉचलिस्ट में रखेंगे, इसमें भी काफी अच्छे टारगेट मिलेंगे, और IT सेक्टर काफी अच्छे अप मूव में है, तो एक कंसोलिडेशन के बाद आपको फ्रेश रैली जो है इसमें देखने को मिल सकता है। और लास्ट एक स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक करेक्शन दे चुका है। इससे पहले भी ये जब भी इस मूविंग एवरेज के पास आया है तो ये आपको एक अच्छा अपमूव दिया है। अगर आप पीछे भी देखेंगे तो ये एक अच्छा अपमूव दिया है, और ये एक डाउन ट्रेंड में है। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है, और यहाँ पे आपको ये कंसोलिडेट किया है। अब अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये अगर एक अच्छा कैंडल बनाता है तो आप जो है इसमें एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो है ये स्विंग लो होगा, और इसमें भी आपको काफी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। पहला टारगेट तो आपको इस रेसिस्टेंस के पास होगा, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, फर्दर एनालाइज करेंगे जो और कितना हम लोगों का टारगेट हो सकता है। तो इन सारे स्टॉक में जो है आपको 1:2 से 1:3 के टारगेट मिलने के चांस है। वन डे चार्ट का एनालिसिस है, इसलिए आपको थोड़ा लॉन्गर टाइम तक जो है इसको होल्ड करके रखना पड़ सकता है। तो आप लोग जो है इसको पोजिशनली ट्रेड करने के लिए देखिए, और काफी अच्छा रिटर्न जो है आपको मिल सकता है। तो
आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं और साथ ही साथ जो है हम लोग लर्निंग वीडियो भी डालते हैं और इसके साथ हम लोग डेली मार्केट एनालिसिस का भी वीडियो डालते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो वो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे अगर मुझे किसी स्टॉक में अच्छा एंट्री दिखता है वो इंट्राडे पोजिशनल, तो हम लोग जो है उसको भी डालते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।